तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से इन्वेस्टिंग का ये जर्नी में। आप जिस घोड़े पर सबसे ज़्यादा दाव खेलेंगे वो घोड़ा ही नहीं चलेगा, और मेरा घोड़ा नहीं चल रहा है और धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और इस घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? PI इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे इनका चार्ट और वीक हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, हार मान लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। नए महीने आ रहा है, नया सैलरी आएगा और नए SIP डालूंगा। ऊपर से जितना करेक्ट हो जाए हो जाने दीजिए, आपको डरना नहीं है अगर आप मेरे साथ हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से पिकार्डली एग्रो ने आपको प्रॉफिट बनाया, जिस तरीके से आपको सूर्या रोशनी ने प्रॉफिट बनाया था, लेंसर ने प्रॉफिट बनाया था, आयोन एक्सचेंज ने प्रॉफिट बनाया था, ना जाने कितने सारे, काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे, कभी एक दिन में सारे लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो बात अभी है PI इंडस्ट्रीज की, बात अभी है PI इंडस्ट्री की, क्योंकि ये सेक्टर नहीं चल रहा है और ये है सबसे बेहतरीन घोड़ा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दे के आया है। तो इनके ऊपर हम दाव खेल रहे हैं। जब ये सेक्टर टर्न अराउंड होगा तो ये घोड़ा जो अभी का भाव चल रहा है 3300 के बाद, ये घोड़ा जाएगा 10,000 तक। 10,000, सही सुन रहे। ये क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल पॉइंट है, चार्ट क्या बोल रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है वो नहीं पता। कंसिस्टेंसी के साथ रिजर्व को बढ़ाते हुए, बोरोइंग को कम करते हुए, और जिस तरीके से इन लोगों ने कैपेक्स को किया है, न्यू इन्वेस्टमेंट को साथ लेके आए हैं, एग्रोकेमिकल के साथ अभी API फार्मास्यूटिकल में एंट्री किया है, तो शायद ऐसे हो सकता है। ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं ना, जो अभी इन लोगों का एवरेज चल रहा है, हालांकि इसका मार्जिन तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है 24, तो ये थोड़ा सा घट जाए पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए तो इनका शेयर प्राइस ऊपर से काफ़ी करेक्टेड भी हो चुका है। तो क्या लगता है आपको ये मार्जिन कितना रहेगा? अगर ये मार्जिन 20 के आसपास भी रहेगा ना, तो दो भाव में अभी PI इंडस्ट्रीज चल रहा है ना, इससे कई गुना होने का दम रखता है। क्योंकि अभी का जो PE मल्टीपल्स है, ये अगर आप देखेंगे ना, एवरेज से भी कम चलने लगा है। हाँ, एवरेज अगर आप, मैं कितने साल का एवरेज ले रहा हूँ, 5 साल का एवरेज ले रहा हूँ, 5 साल का एवरेज है 47, अभी आपको कितने में मिल रहा है दोस्तों? अभी मिल रहा है 38 में। क्या महंगा है? महंगा बिल्कुल भी नहीं है। कितने शानदार ROE वाला कंपनी, मार्केट लीडर है, तो ये बिल्कुल भी महंगे नहीं है। अगर हम 10 साल के लिए भी देखेंगे तो दोस्तों इनका जो PE मल्टीपल आता है 40 के ऊपर आता है, फिर से भी सस्ता मिल रहा है। तो आपको अगर और सस्ता चाहिए तो आप SIP के मूड में मेरे कहने पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पता नहीं ऑपरेटर सबका कब मन भरेगा और वो पूरा डाउन करके खुद माल लेके ऊपर जाएगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं भी ऐसे बहुत सारे चार्ट में से पहले फंस गया था, और धीरे धीरे ऑपरेटर का माल भरना पूरा हुआ और ऊपर गया। हालांकि थोड़ा अर्ली एंट्री के चक्कर में मुझे 1-2 महीने, कभी कभी 6 महीने भी बर्बाद होता है, बट चार्ट ऊपर जाता जरूर है, क्योंकि फंडामेंटली सही कंपनी पिक करता हो। इसलिए जितने सारे कंपनी मैंने यूट्यूब चैनल में, ट्विटर में शेयर किया है, एक भी कंपनी का फंडामेंटल बुरा नहीं है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। हाँ, ये होता है समय के साथ साथ मैनेजमेंट थोड़ा सा मिस एलोकेशन कर लेता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेते हुए मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो गवर्नमेंट्स का कुछ रूल्स आ जाता है जिसके चक्कर में मैं डर जाता हूँ और भाग जाता हूँ। ये बात सच है, और बट ये कंपनी के लिए नहीं है, इनका सेक्टर नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर आप उठा के देखेंगे, स्किनर पे जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर है। अब कुछ सेक्टर को आप देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे मार्केट लीडिंग कंपनी है, जैसे कि आप एक चीज़ देखिए मेरे, अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर पर जाते हैं और हम देखते हैं ना, नेगेटिव रिटर्न 1 ईयर, ये मैंने लिस्ट बनाया था। तो ऐसे आपको बहुत सारे मार्केट लीडिंग, जैसे मार्केट कैप वाले देखिए कंपनी कितने, हायर मल्टीपल्स वाले जितने सारे अच्छे अच्छे कंपनी गए, इन सारे कंपनी में क्या हो रहा है, इन सारे कंपनी में रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है? अगर महंगे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज है, वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे बहुत ऐसे कंपनी भी आपको मिलेगा दोस्तों जो सेक्टर नहीं चल रहा है, इनके लिए ही ये लोग पीछे पड़े हैं। बात ये है, इन सारे सेक्टर में आप बाई नहीं कर रहे, बट कोई तो बाई कर रहा है, जो छोटे छोटे बाइंग हो रहा है, ये बाइंग हो रहा है स्मार्ट मनी का। वो स्मार्ट मनी लेके बैठ जाता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, विजय किड़े सर का कभी आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सर ने बोलता है मैं अर्ली एंट्री करता हूँ, ऐसे भी होता है, एक साल आपको रिटर्न नहीं मिलता है। बात यही है दोस्तों, एक कंपनी में आपको दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था, कंपनी का नाम है पैनासोनिक। ये पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड, आपको पता है ये रिसेंटली इस कंपनी में अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है, अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है, और सर ने कितने साल से बैठे बिना रिटर्न में बैठे,
क्या आपके पास वो पेशेंसी है, देख सकते हैं कितने साल से बैठे हैं, स्टेक लेके बैठा है, बिलीव आपको ये रखना पड़ेगा, सेक्टर कभी ना कभी तो आपके साथ देगा, और जो आएगा ना तो ये इस तरीके से पिकर्ली एग्रो जैसे निकलेगा, सोम डिस्टिलर से होकर निकलेगा, इसका सेक्टर टेलविंड है। पेशेंसी रखिए दोस्तों, अगर आपके पास पेशेंसी है तो मुझे बिलीव है ये जो पीआई इंडस्ट्री अभी 3300 हो सकता है 3000 आ जाए, 2500 आ जाए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा दोस्तों। आप SIP करते रहिए, बाकी जगह पे ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ पे डालते रहिए, बिलीव करिए। ये जो मार्केट लीडर कंपनी है ना, ये पक्का, ये 4011 क्या है, ये बहुत ऊपर जाएगा, 10,000 टारगेट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। उस दिन मैं फिर आगे बताऊंगा आपको।